हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज डेरिवेशन हम लोग सीरीज, जिसमें हम लोग करने वाले हैं। पहले डाइपोल का कर लेते हैं, और इससे पहले हम क्वेश्चन बहुत सारा अपलोड किए हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखते रहना। देखो डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड इक्वल जो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम होता है, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नेट चार्ज जीरो होगा, तो ये प्लस की हुआ और ये माइनस की हुआ, तो सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये प्लस की और माइनस की दो चार्ज हैं, तो पूरे स्पेस में जो भी यहाँ पर पॉइंट लोगे, उस पॉइंट पर हमेशा दो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। मान लो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ स्पेस में यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट पर दो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, प्लस और माइनस दोनों का। तो जो एक्सियल लाइन है उस पॉइंट पर, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक ये है कि एक्सियल लाइन पे जो भी पॉइंट लोगे, वहाँ पे दो फील्ड होगा और दोनों का नेट फील्ड निकालोगे। ठीक है ना, मतलब पहले वाले का फील्ड माइनस दूसरे वाले चार्ज का फील्ड, इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पॉइंट पी पर जो प्लस की हुए है, उसका जो ये प्लस क्यू को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, उसको मैं ई ए बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फील्ड कैसे देखते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉइंट पी पर, ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, और क्यू नॉट जो फोर्स फील करेगा उन्हीं की डायरेक्शन में फील्ड होता है, तो प्लस चार्ज है, और ये प्लस ए पर जो रखा होगा वो भी प्लस है, तो इसको रिपल करेगा तो इधर जाएगा फील्ड। इससे इस एरो से मैंने इसको दिखाया है। ठीक है, और उसी तरह से इस प्लस क्यू को ये माइनस क्यू जो बी पर रखा, वो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फील्ड ई भी इधर जाएगा। समझ में आया, तो अगर ई भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देखो जो पॉइंट पी है माइनस क्यू के पास में है, तो माइनस क्यू के पास में है तो चार्ज के पास में जो फील्ड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं वो फील्ड कम होता चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ई बी है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा होगा किससे, ई ए से। मैग्नीट्यूड दोनों ये वेक्टर बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है कि ई बी ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट पी क्यू बी के पास में। तो अगर यहाँ देखोगे तो नेट फील्ड इस पॉइंट पर बनेगा जो पी पे, उसको मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, वो होगा ई बी माइनस ई ए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, तो ई बी की वैल्यू आ जाती है, ई बी की वैल्यू आ जाती है के क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस। तो पॉइंट पी का चार्ज बी से डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस 2 आर था, तो सेंटर सी से डिस्टेंस मैं एक्स लिया हूँ, तो यहाँ से तुम देखोगे ये वाली जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी एक्स माइनस आर, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी एक्स माइनस आर, तो एक्स माइनस आर ये वाला। ठीक है, उसी तरह से ई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पॉइंट चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस जहाँ पर फील्ड निकालना है, तो ये प्लस क्यू यहाँ पर है और इसका ये पॉइंट पी का डिस्टेंस, जब ये पूरा डिस्टेंस सी था, सी से ये डिस्टेंस पॉइंट पी का एक्स था, तो अगर तुम देखोगे यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, तो ये एक्स प्लस आर होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो ये आ जाएगी एक्स प्लस आर, तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आता है पॉइंट चार्ज का। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को वहाँ पर रख दूंगा इस पे, तो नेट जो फील्ड दिखेगा वो, उसको अब मैं सॉल्व कर लूँगा, वही यहाँ पे नेट फील्ड की वैल्यू दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखो नेट फील्ड, अगर तुम देखोगे नेट फील्ड ई, वो मैं के क्यू ओवर एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ से तब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो के क्यू बाहर आ जाएगा और ये एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनको एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है ना,
यहाँ से जब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो के क्यू यहाँ से ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एक्स आर यहाँ आएगा ठीक है और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू एक्स आर आ जाएगा और डिवाइड कर दूंगा यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाला चीज़। तो यहाँ से जो है जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा क्योंकि माइनस है आर स्क्वायर क्या है यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ फोर के क्यू एक्स आर बनेगा और डिवाइड कर दूँ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे एक चीज़ होती है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आप पढ़े होगे क्या होता है। तो अगर तुम देखोगे डाइपोल मोमेंट अगर यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखता हूँ डाइपोल मोमेंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस टू आर ये वाला चीज़। तो इसके इसके टर्म में लिखोगे तो यहाँ से तुम देखो के एक्स यहाँ साइड में ले लो और टू के एक्स टू क्यू आर यहाँ ले लो डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ टू ये आ जाएगा टू के एक्स और डाइपोल मोमेंट पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड मिलेगा, नेट फील्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा, नेट फील्ड उस पॉइंट पे दैट इज नेट फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट फील्ड एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर जो नेट फील्ड मिलेगा ई वो आ जाएगा टू के पी एक्स हम लोग डिस्टेंस लिए थे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन था। तो बेसिकली अभी देखो अभी बहुत सारा इसमें कंटेंट में बनाऊंगा मैं, क्यों डेरिवेशन सीरीज बना रहा हूँ क्योंकि यार यूट्यूब पे वीडियो तो है पर क्वालिटी कंटेंट नहीं है समझ रहे। तो ये यहाँ से ये जो है नेट फील्ड अभी देखो मैं इसमें बहुत सारा डेरिवेशन इसमें बहुत सारे अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसमें बहुत सारी बातें अभी। तो ये जो नेट फील्ड है वो पॉइंट पी पर आया वो इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट है और ये नेट फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा वो हम इसको देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कभी कभी जो है डाइपोल बहुत छोटा होता है, एक अजम्पशन इसमें लेते हैं इफ़ पॉइंट पी इज एट लार्ज डिस्टेंस। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं लार्ज डिस्टेंस पर अगर होगा, देखो इस पॉइंट को अगर मैं बहुत दूर से देखूंगा जो पॉइंट पी है अगर मैं इसको बहुत दूर से देखूंगा बहुत ज़्यादा दूर पॉइंट पी चला जाएगा यहाँ पर, मान लो ये पॉइंट पी डॉट 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 यहाँ पर आ गया ठीक है। तो अगर ये पॉइंट पी यहाँ पर आ गया उस वक्त मैं दूर से अगर डाइपोल पॉइंट दूर से अगर मैं डाइपोल को देखूंगा तो मुझे डाइपोल पॉइंट चार्ज की तरह नज़र आएगा। मतलब अगर एक्स बहुत ज़्यादा दूर हो गया, एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, उस वक्त डाइपोल टाइनी डाइपोल हो जाएगा, स्मॉल डाइपोल हो जाएगा। तो स्मॉल डाइपोल, तो ये फार्मूला कब लगाओगे जब क्वेश्चन में ये बोलेगा स्मॉल डाइपोल है छोटा डाइपोल है ठीक है, पॉइंट पी बहुत ज़्यादा दूर है उस वक्त आर बहुत छोटा है तो आर अप्रोच हो जाएगा जीरो के, तो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी देखो टू के पी एक्स और आर अप्रोच एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस ये जीरो का अप्रोच कर जाएगा कि पावर टू, तो कुल मिला के आ जाएगा कि टू के पी एक्स की पावर क्यू। तो ये वाला फार्मूला कब लगाओगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि टू के पी एक्स की पावर क्यू। बच्चे क्या करते हैं यही इसी को हैबिट में ले लेते हैं, आदत में ले लेते हैं और बार बार यही लगाने लगते हैं जो कि गलत है। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि शॉर्ट डाइपोल है स्मॉल डाइपोल है तब तक मैं इसका नहीं यूज करूँगा, मैं यही यूज करूँगा जो एक जनरल पॉइंट का डेरिवेशन है जो ई इज इक्वल टू टू के पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाला। तो ये नेट फील्ड आ गया इन दोनों का। अब ये नेट फील्ड देखो किधर होगा कैसे होगा, ये नेट फील्ड ऑब्वियसली जो वेक्टर ज़्यादा था ई भी ज़्यादा था, देख रहे हो ई भी ज़्यादा था, जो बी पॉइंट राइट साइड था तो ये जो पॉइंट पी पर जो चार्ज
माइनस क्यू था उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, तो नेट वेक्टर इधर की डायरेक्शन में आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला। और अगर मैं ए के लेफ्ट साइड पॉइंट लेता हूँ, मतलब इस साइड पॉइंट पी लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज के पास लेता हूँ, तो प्लस चार्ज वाला फील्ड ज़्यादा होगा और नेट फील्ड ऐसे आएगा। ये वाला नेट फील्ड है, ये अभी नेट फील्ड ऐसे आ रहा, बात समझ में आ रहा। तो नेट फील्ड एक और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेट फील्ड डाइपोल के साथ कैसे अलाइनमेंट है, उस चीज़ को हम देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या बताया हूँ कि जो नेट फील्ड आया है अपना, जो नेट फील्ड E इज इक्वल टू, वो आया है 2kpx और ये है x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो नेट फील्ड है डाइपोल के साथ कैसे अलाइनमेंट है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, आई होप आपको पता होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट, रेड वाला जो एरो है वो डाइपोल मोमेंट की वेक्टर है। तो डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव कन्वेंशनली हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर तुम देखोगे जो राइट साइड है इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड आया वो इधर की डायरेक्शन में आएगा, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा कितना बना, 0 डिग्री। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर वेक्टर, ठीक है, ये यहाँ से तुम देखोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस इज बेसिकली आई एम टेकिंग द आर। तो यहाँ से तुम देखोगे ये वाला, ये यहाँ तुम इधर देख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो इसको मैं बड़े प्यार से ऐसे लिख सकता हूँ, तो आर वेक्टर और माइनस आई कैप ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये जो ये वाली जो चीज़ है कुल मिला के, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई ई जो वेक्टर है वो भी यहाँ पे आ जा रही है 2kpx की पावर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की स्क्वायर, और यहाँ से माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर लगा सकते हो, या खुद इसको x की यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हो। तो थीटा दोनों निगेटिव आ रहा, तो थीटा बना 0। और अगर यही यही इधर लोगे, इधर इस साइड लोगे, तभी भी थीटा कितना आएगा, तभी भी थीटा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि नेट फील्ड यहाँ पर ई नेट इधर आएगा, डाइपोल मोमेंट ऐसे ही रहेगा, तो तभी भी थीटा 0। मतलब कुल मिला के ए सी सीखे हम लोग कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑलवेज एक्सियल लाइन पे फील्ड के पैरेलल होता है। तो डाइपोल मोमेंट नोट करके लिख लो, डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू नेट फील्ड एट एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन पे जो फील्ड आता है डाइपोल मोमेंट उसके पैरेलल आता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, ग्राफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यूट्यूब पे जनरली क्या होता है, लोग आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ देते हैं, तो तुम यार पूरा सीखो ना। तो यहाँ से तुम देखोगे ग्राफ, ग्राफ में देखो मैं कितने अच्छे से बताया हूँ कि ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट ग्राफ में 3 रीजन है। पहला रीजन ये है डाइपोल, ये प्लस की हुए माइनस की हुए, पहला रीजन है डाइपोल के अंदर, ठीक है। दूसरा रीजन है पॉइंट जो बी पॉइंट, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो पॉइंट बी के राइट साइड का रीजन है, ये वाला रीजन है, और एक ए वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, ठीक है ना, इधर। तो इन तीनों में फील्ड कैसे वेरी करेगा एक्सियल लाइन पे, उसका मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। तो जब मैं इस पॉइंट से दूर जाऊँगा, माइनस क्यू से दूर जाऊँगा इधर को, तो इधर से दूर जाऊँगा कहाँ तक जाऊँगा, इन्फिनिटी को जाऊँगा, तो तुम देख रहे हो कि जो फील्ड की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है, समझ रहे ना। तो फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये फील्ड कम हो रही है तो उसको मैं इस यहाँ बेहतर तरीके से दिखाया हूँ, देख रहे हो, ये एरो जो है, ये एरो जो पर्पल कलर का है, ये दिखा रहा है कि फील्ड जैसे जैसे आप दूर जाओगे फील्ड कम होती चली जाएगी, और जब आप इधर जा रहे हो तो फील्ड, जब इस साइड आप जा रहे हो तो आर तो आपका पॉजिटिव है क्योंकि आप राइट साइड जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ओरिजिन ले लिया हूँ सी पर, तो आर तो पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इधर मेरा आर है और इधर मेरा निगेटिव माइनस ई है, तो ग्राफ इस कोऑर्डिनेट में आएगा और यहाँ से इस साइड जो है ऐसे कुछ वेरी करेगा, ये वाला वेरिएशन
जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है बेहतर तरीके से, कि ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसे वेरी करेगा जो आपको बेहतर तरीके से दिखाया गया है ये वाली चीज़। ऐसे ये इन्फिनिटी बजा के जीरो टच करेगा ये वाला प्लॉट, ठीक है, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे उसी तरह से इधर प्लस ए के राइट लेफ्ट साइड आ जाओ, तो लेफ्ट साइड जब जाओगे इधर, तो आर तो इधर क्या आ जाएगा, आर निगेटिव आ जाएगा और इधर ई भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों निगेटिव है, कहाँ तक जाना है आपको, इन्फिनिटी तक। तो अगर इन्फिनिटी तक जाओगे तो फील्ड घटेगा, देख रहे हो ये एरो जो है वो दिखा रहा है धीरे धीरे ये सारे एरो कि फील्ड घट रहा है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे इसका भी आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा। थोड़ा सा यहाँ उतना अच्छा नहीं बना है, समझ जाना आप, ये इसको टच नहीं करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, अब बना लेना। अब आ जाओ ए और बी के डाइपोल के बीच, देखो डाइप जब प्लस क्यू के पास हूँ तो फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। जब प्लस क्यू से दूर जाऊंगा तो फील्ड घटेगा, जब सी पॉइंट पे आऊंगा तो ये जो फील्ड होगा यहाँ पर वो मिनिमम होगा, डाइपोल के अंदर मिनिमम फील्ड होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। डाइपोल में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अगर मैं इन्फिनिटी को छोड़ दूँ तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों यहाँ से, तो मैं प्लस क्यू से इस साइड जाऊंगा, इस साइड जाऊंगा, तो देखो फील्ड फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, फील्ड तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर देखोगे प्लस वाले का फील्ड रिपल्सन की वजह से इधर आ जाएगा और माइनस वाले की इधर है, फील्ड तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पर तुम देखो इधर थोड़ा आर निगेटिव है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, फील्ड डिग्रीज होगा, डिग्रीज होते होते मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि डाइपोल है, और ऐसे कुछ जाके चार्ज के पास ऐसे है। क्योंकि यहाँ पर देखो सी पॉइंट पर अगर देखोगे, इस पॉइंट सी को देखोगे, तो प्लस वाले का चार्ज इधर, प्लस वाले का फील्ड इधर आएगा और माइनस वाले का भी फील्ड इधर आएगा, एड हो रहा है, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू है, जीरो नहीं है। अगर डाइपोल नहीं होता तो न्यूट्रल पॉइंट होता, बात आ रहा समझ में। तो दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, रफली आइडिया है, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं बनाया हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, एक्सियल लाइन का ग्राफ, एक्सियल लाइन के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।